दोस्तों नमस्कार, मैं शील खन्ना ई टेक्निकल जिज्ञासा से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी कॉरोगेटेड सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आपको कॉरोगेटेड बॉक्सेस से रिलेटेड वीडियो बता रहा हूं। दोस्तों मेरे कुछ फ्रेंड्स का डिस्क्रिप्शन में मैसेज आया है कि कुछ प्रिंटिंग के बारे में भी बताओ। जब हम बॉक्स के ऊपर स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं तो जो फोर कलर की इमेज होती है वो हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। जो लाइन वर्क की इमेज होती है वो तो हमसे हो जाती है, लेकिन जो फोर कलर की इमेज होती है उसको हम सिंगल कलर में प्रिंट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप स्क्रीन के अंदर हाफ टोन के अंदर अपनी फोर कलर की इमेज को कन्वर्ट करके कॉरोगेटेड बॉक्स के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्क्रीन के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको फोर कलर के अंदर जो स्क्रीन की सेटिंग होती है, जो डॉट्स होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम अपनी कोरल ड्रॉ की स्क्रीन पर आ गए हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मेरे पास एक पिक्चर है। ये मैंने एक लॉइन की पिक्चर ली है जिसमें सिर्फ फेस है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बाई चांस आपको ये जो लॉइन का फेस है ये कॉरोगेटेड बॉक्स के ऊपर प्रिंट करना है, तो आप इसको कैसे प्रिंट करेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरह से स्क्रीन प्रिंटिंग के अंदर आप हाफ टोन में कन्वर्ट करके उसको अपने बॉक्स के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये कितनी फाइन है। इसके अंदर जो डॉट्स हैं वो बहुत फाइन डॉट्स हैं जो कि ऑफसेट के अंदर प्रिंट होते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम स्क्रीन पे जॉब प्रिंट करते हैं, जब हम स्क्रीन खोलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं जब हम स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं तो एक स्क्रीन होती है, उसके ऊपर हम फिल्म के अंदर अपनी जो बटर निकालते हैं या पॉजिटिव होता है उससे हम फिल्म को उठा के स्क्रीन को बनाते हैं, और उस स्क्रीन के ऊपर जो डिज़ाइन होता है वो हम अपने कलर के हिसाब से बॉक्स के ऊपर प्रिंट करते हैं। तो दोस्तों जो स्क्रीन के ऊपर फिल्म उड़ती है वो इतने फाइन डॉट्स पे नहीं उड़ती है जैसा कि आप ये देख रहे हैं। और स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए जो हमारे डॉट्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। ये देखिए, जैसे आपके सामने ये दोनों कंपैरिजन है, ये फाइन डॉट है और ये स्क्रीन का डॉट है। ये देख सकते हैं आप, देखिए कितना मोटा डॉट आ रहा है। ये इस तरह से ये जो जॉब होती है ये आप स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। इसमें फिल्म खुल जाएगी और आप अपने बॉक्स के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं आप ब्लैक कलर के अंदर, सेम इसका डॉट देखिए आप कितना फाइन है। आप इसकी ये जीभ देखिए और यहाँ पर आप जीभ देखिए, दोनों की जीभ में आपको फर्क नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको डॉट मोटे नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर डॉट आपको बहुत फाइन नज़र आ रहे हैं। अगर आप इस फाइन डॉट को स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से प्रिंट नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये इस डॉट को प्रिंट करेंगे स्क्रीन पर तो ये बहुत अच्छे तरीके से प्रिंट हो जाएगा। और दोस्तों इसकी जो फोर कलर की पिक्चर है जिससे हमने ये ब्लैक में कन्वर्ट किया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ डॉट में कैसे आएगी। ये देखिए, ये डॉट के अंदर फोर कलर की पिक्चर है। अब आपके सामने दोनों रिजल्ट हैं, ये डॉट की पिक्चर है और ये वाली जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपकी पिक्चर फाइन डॉट की है। अब इन दोनों के अंदर आप फर्क देख लीजिए, ये कितने फाइन डॉट्स हैं और इसके डॉट कितने मोटे हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इसी वीडियो में यही बताता हूँ कि किस तरह से आप स्क्रीन के अंदर ये हाफ टोन के जो डॉट्स हैं ये आप रेडी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला जो लॉइन का फेस है ये हमें स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है अपने बॉक्स के ऊपर। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसकी जगह कोई भी पिक्चर ले सकते हैं लेकिन उसका जो प्रिंट करने का मेथड है, हाफ टोन में कन्वर्ट करने का जो मेथड है वो सेम रहेगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं जो हमारी पिक्चर होती है वो CMYK में होती है, सियान मजेंटा येलो काला। अब दोस्तों इसके बारे में जो कंप्लीट डिटेल है ऑफसेट की CMYK की ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से ऑफसेट के अंदर आप CMYK के अंदर प्रिंटिंग कर सकते हैं। आज मैं आपको स्क्रीन प्रिंटिंग की हाफ डॉट के हाफ टोन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इसकी आप एक कॉपी कर लीजिए इस तरह से, और इन दोनों की एक कॉपी और कर लीजिए, चार कॉपी बना लीजिए इसकी, और एक हम ओरिजिनल रख लेते हैं अपने पास, ये हम ओरिजिनल रख लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, अब ये हमने इसकी चार कॉपी बना ली है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से डॉट इसके अंदर आते हैं और किस तरह से आप हाफ टोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले पिक्चर लेते हैं। आपको जैसे पता है, मैंने आपको बताया कि CMYK में जॉब प्रिंट होती है CMYK। अब CMYK का मतलब होता है सियान मजेंटा येलो काला, ये चार कलर से मिलकर सारे कलर जो है वो हमारे बन जाते हैं। तो दोस्तों अब ये जो हमारे पास पिक्चर है
ये हमारी CMYK के अंदर है, ये आप कैसे कंफर्म करेंगे? इसके लिए आप ऊपर बिटमैप पे जाइए और इसमें मोड होता है, और मोड के अंदर आप देखेंगे ये नीचे जो है ये CMYK कलर एक्टिव है। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं RGB के अंदर, ड्यूओटोन के अंदर, ग्रे स्केल के अंदर और ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर। लेकिन अभी ये पिक्चर हमारी CMYK के अंदर कन्वर्ट है। अब दोस्तों ये चारों पिक्चर हमारी CMYK के अंदर कन्वर्ट है। अब इन चारों पिक्चर में से हम ये सब पिक्चर में से सियान, मजेंटा, येलो और काला इसको अलग अलग करेंगे, सब में से सिंगल सिंगल कलर बना देंगे। सियान में सिर्फ इस पिक्चर में सियान होगा, इसमें मजेंटा होगा, इसमें येलो होगा, इसमें काला होगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम ये पिक्चर लेते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इफेक्ट्स पे जाएंगे। आप बड़े ध्यान से देखिएगा, इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे और इफेक्ट्स के अंदर हम एडजस्ट के अंदर जाएंगे। जैसे आप एडजस्ट पे जाएंगे यहाँ पर आपको ये टोन कर्व मिलेगा, ये देखिए ये टोन कर्व है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और आपके सामने ये टोन कर्व की स्क्रीन आ जाए। अब दोस्तों ये जो हमारा कर्व है इसके अंदर हमारे CMYK के सारे कलर होते हैं। अब उसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं जो एक्टिव चैनल है वो CMYK है, मतलब ये जो पिक्चर है अभी हमारी इसमें चारों कलर है, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। अब हम चाहते हैं इसमें से हम सिंगल कलर रख दें सियान। अब क्या करेंगे, इस एरो से आप नीचे आइए और इस एरो से जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपके सामने ये चारों कलर आ जाएंगे। अब दोस्तों जैसे ही यहाँ पे अब जिसमें से जो कलर आपको चाहिए उसको आप रहने दीजिए और बाकी कलर को इसमें से ख़त्म कर दीजिए। और सबसे पहले हमें यहाँ पर हम लेते हैं सियान कलर, तो सियान को आप छोड़ दीजिए, मजेंटा को ले लीजिए। जैसे ही आप मजेंटा को सेलेक्ट करेंगे इस पिक्चर में से जो मजेंटा कलर है उसका ग्राफ ये सामने आ जाएगा, कर्व सामने आ जाएगा। आप देखेंगे ये जो ब्लैक डॉट है इसको आप जैसे इस पर लाएंगे ये देखिए कर्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जैसे ये कन्वर्ट होगा इसको आप नीचे लेके जीरो पे कर दीजिए, बिल्कुल बॉटम पे ले आइए, तो ये आपका जीरो हो गया, मतलब इस पिक्चर में से मजेंटा कलर निकल गया। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें से मजेंटा कलर हमारा डिलीट हो गया। अब मजेंटा के बाद आप ले लीजिए येलो कलर, ये इंडिविजुअल कलर लेने पड़ेंगे हमें। इसी तरह से इसके डॉट को पकड़िए और इसके डॉट को आप पकड़ के इसको जीरो कर दीजिए, ये येलो कलर इसमें से ख़त्म हो गया जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इसके बाद ले लीजिए आप ब्लैक कलर, ये हमारा ब्लैक कलर आ गया, और सेम प्रोसीजर इस पर ब्लैक कलर को यहाँ से पकड़िए और इसको जीरो कर दीजिए। अब देखेंगे दोस्तों इसको यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों इस पिक्चर में से हमारे पास सिर्फ सियान कलर रह गया जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब ये हमारी 4 कलर की पिक्चर है और ये सिर्फ सियान की पिक्चर है। अगर आप ड्रॉपर से चेक करेंगे इसको तो आप यहाँ पे ड्रॉपर को लगाइए, देखिए सिर्फ सियान बता रहा 95, इसमें और कोई कलर नज़र नहीं आएगा आपको। ये जो सियान 5 सियान 90 बता रहा है, ये अलग अलग डॉट्स है, जहाँ पे लाइट कलर है वहाँ पे कम कलर है, जहाँ पे डार्क कलर है वहाँ पे सियान ज़्यादा बता रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे इस पिक्चर में सिर्फ सियान कलर है और कोई भी कलर नहीं आपको नज़र आ रहा होगा ड्रॉपर के थ्रू। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब जो हमारा सेकेंड पिक्चर है सेम उसी प्रोसेस से इफेक्ट में जाएंगे, एडजस्ट में जाएंगे और टोन कर्व करेंगे। अब हमने इसमें से सियान रहने दिया, अब हम मजेंटा रहने देंगे। तो यहाँ से आप सिर्फ मजेंटा कलर को छोड़ के बाकी कलर को आप डिलीट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम सियान को सिलेक्ट करते हैं, जैसे आप सियान को सिलेक्ट करेंगे तो इसको आप यहाँ से पकड़ के जीरो कर दीजिए। अब इस पिक्चर में से सियान कलर निकल गया और हमें मजेंटा चाहिए तो मजेंटा को आप छोड़ दीजिए, फिर येलो ले लीजिए। इस येलो में से सेम प्रोसीजर, आप यहाँ से इसको जीरो कर दीजिए, इसमें से येलो कलर निकल गया और आप ब्लैक ले लीजिए। ऐसे सेम प्रोसीजर आप यहाँ से ब्लैक को जीरो कर दीजिए, इसमें से तीनों कलर निकल गया, सिर्फ मजेंटा रह गया। अब देखिए ये सियान और मजेंटा था, ये सियान और मजेंटा हमारे पास यहाँ पर आ गया, इसको ओके कर दीजिए। अब दोस्तों जो थर्ड पिक्चर है इसमें से हम सिर्फ येलो रहने देंगे, बाकी कलर को बाहर निकाल देंगे, सेम प्रोसीजर। मैं इस वीडियो को यहाँ पॉज करता हूँ और आपको एक टाइम बचाने के लिए आपको मैं ये करके दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों ये चारों कलर आपके सामने आ चुके हैं, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। ये हमारे पास सियान है, ये मजेंटा है, ये येलो है, ये ब्लैक है और ये हमारी 4 कलर की पिक्चर है। अब इस चारों कलर में अगर आप ड्रॉपर से देखेंगे तो इसमें आपको देखिए सिर्फ सियान मिलेगा, इसमें सिर्फ मजेंटा मिलेगा, इसमें येलो मिलेगा और इसमें सिर्फ ब्लैक काला मिलेगा, और कोई कलर नहीं मिलेगा। तो ये चारों कलर हमारे सेपरेट हो चुके हैं, बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं। अब दोस्तों देखिए अगर आप इस पिक्चर को प्रिंट करते हैं स्क्रीन के ऊपर तो ये डॉट फाइन होने की वजह से आपका जो स्क्रीन पे रिजल्ट है बॉक्स के ऊपर वो ठीक से नहीं आएगा। तो दोस्तों इन पिक्चर को हमें हाफ टोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाफ टोन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि ये जो डॉट होते हैं, ये जो आप डॉट देख रहे हैं फाइन है,
ये डॉट थोड़े से मोटे हो जाएंगे, और ये कितना मोटा करना चाहते हैं ये आप उसको अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। ये देखिए इसमें आपको देख रहे हैं ये डॉट मोटे नज़र आ रहा है, ये देखिए आप इसमें कितने मोटे डॉट्स हैं। और अगर आप फाइन पिक्चर में देखेंगे तो इस पर आपको डॉट बिल्कुल फाइन नज़र आएंगे, ये देखिए ये डिफरेंस है इसके अंदर। तो दोस्तों इस तरह से ये हाफ टोन में आप इसको कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों अब क्या है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसके अंदर, जब भी आप इस पिक्चर को, अब ये हमारी इस फोर कलर की चारों कलर सेपरेट हो गए हैं, अगर इस पिक्चर को हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, चारों को हम एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, ये देखिए इस तरह से, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आया फोर कलर का। ये इसलिए नहीं आया क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है वो नहीं है, एक कलर को दूसरे कलर में जो मर्ज करने की जो पावर है वो इसके अंदर नहीं है, इसमें सिंगल कलर ही रहता है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोरल ड्रॉ के अंदर एक टूल होता है, वो होता है ट्रांसपेरेंसी टूल। मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए ये ट्रांसपेरेंसी टूल है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, पहले पिक्चर को आप सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए हमने ये सियान को सेलेक्ट कर लिया। अब ये ट्रांसपेरेंसी टूल में जाएंगे आप, जैसे ही आप ट्रांसपेरेंसी टूल में जाएंगे ऊपर देखेंगे यहाँ पर एक विंडो आ जाएगी, ये वाली, इसमें ये नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब ये टूल एक्टिव नहीं है। इस पर क्या करना पड़ेगा, आप एरो की से नीचे आइए, यहाँ पर आपको ये मल्टीप्लाई नज़र आएगा, जैसे ही आप इस मल्टीप्लाई को क्लिक करते हैं इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट आ जाएगा इस पिक्चर के ऊपर। अब आप देखिए, अब आप इस पिक्चर को इसके ऊपर डालिए, ये देख रहे हैं आप, इसमें सियान का इफेक्ट आ गया, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। अब इसी तरह हम मैजेंटा वाली को भी ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट पे ले लेंगे, ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट में जाइए, नॉर्मल की जगह इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके अंदर भी इफेक्ट आ गया। अब हम येलो को भी ले लेते हैं, येलो में पकड़िए और येलो को आप ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट करिए और इसके अंदर इस नॉर्मल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस येलो के अंदर भी इफेक्ट आ गया, ब्लैक में भी ले लेते हैं। अब दोस्तों जैसे ही हम ट्रांसपेरेंसी को कन्वर्ट करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसका इफेक्ट आएगा। अब इन चारों पिक्चर को आप सेलेक्ट कर लीजिए और एक दूसरे के ऊपर ओवर इम्पोज करिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, अब जैसे ही चारों पिक्चर को हमने एक दूसरे में चारों में मर्ज किया, इसका इफेक्ट सेम आ गया जो हमारी फोर कलर की पिक्चर में था, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये देखिए आपको नज़र आ गया होगा, ये वो इफेक्ट है जो हमने अभी ट्रांसपेरेंसी टूल के थ्रू चारों कलर को जो सेपरेट किया था उससे हमने ये फोर कलर की पिक्चर बना ली है। अच्छा दोस्तों अब मैं आपको इसको अलग कर देता हूँ, ये देखिए अब इसको आप अलग कर दीजिए, जैसे कि हमारा ये पहले था, देखिए ऐसे था हमारा। अब हमने क्या करना है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए हाफ टोन बनाना है। अब हमने इसको मर्ज तो कर दिया, अब मर्ज करने के बाद अब आप देखेंगे जब भी हम स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं अपने अपने बॉक्स के ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम इफेक्ट आता है स्क्रीन के अंदर वो हमारा ब्लैक कलर से आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लैक में ज़्यादा काम है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद देख रहे हैं ब्लू कलर में भी काम है और मजेंटा कलर में भी काम है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई भी कलर ले सकते हैं, येलो कलर थोड़ा सा डल हो जाता है, इसलिए कोशिश आप करिए ब्लू कलर या मजेंटा कलर लीजिए। अगर आप मजेंटा कलर लेते हैं उसका इफेक्ट स्किन प्रिंटिंग के अंदर बहुत बढ़िया आएगा। तो हम मजेंटा को पहले ट्राई करते हैं, अब ये ब्लैक कलर है, ये हमारा मजेंटा है, अगर हम इन दोनों को सुपर इम्पोज करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ये मजेंटा का टोन आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस मजेंटा को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इस मजेंटा को हम ग्रे टोन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ग्रे टोन में कन्वर्ट करने का क्या, बिट मैप में जाएंगे और यहाँ पे मोड में जाके आप इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देंगे, ये देखिए ग्रे स्केल नज़र आ रहा है आपको, इसमें इसको कन्वर्ट कर दीजिए। अब ये जो मजेंटा वाला कलर था हमारा ग्रे टोन के अंदर आ गया। अच्छा अब दोस्तों अगर आप इन दोनों कलर को आप मर्ज करेंगे, ये देखिए अब इसका रिजल्ट कितना बढ़िया आ गया। अब आप देखेंगे कि अगर इसको आप इंडिविजुअली देखेंगे तो ये कितना डल है और इसके अंदर कोई बीच बीच में देखिए नाक में जो मजेंटा कलर है यहाँ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे आप इसको मर्ज करेंगे तो इसके अंदर इसका इफेक्ट आ जाएगा। ये देखिए कितनी शानदार फोटो आ रही है, लेकिन अभी भी इसके अंदर एक हमारे को प्रॉब्लम यह है कि ये भी फाइन टोन है, अभी ये हाफ टोन में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसके जो डॉट आए काफ़ी फाइन है। अब देखिए अब जो आपको हाफ टोन में कन्वर्ट करना है स्क्रीन के लिए, आप इन दोनों पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे बार बार, पहले आप ब्लैक वाला ले लीजिए, अब इसको हाफ टोन में कन्वर्ट करने के लिए आपको बिट मैप पे जाना पड़ेगा, और बिट मैप पे जाने के बाद आप नीचे देखेंगे कलर ट्रांसफॉर्म, ये आप देख रहे हैं
कलर ट्रांसफॉर्म, और इसमें यह सेकंड ऑप्शन है हाफ टोन, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर ये डॉट आपके इसके चेंज हो गए। अब इन डॉट को चेंज करने के लिए, अब ये हमारा ब्लैक कलर है तो इसमें ब्लैक कलर का 252 इसमें रेशो आ रही है। अब देखिए ये जो डॉट है, आप डॉट को जो मोटा और पतला कर सकते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। अभी इसमें जो मैक्सिमम इसकी डॉट की जो मोटाई है वो 10 है। अगर आपको ये ज़्यादा मोटा लग रहा है आप यहाँ से इसको कम कर सकते हैं। हम 10 से इसको देखिए, जैसे जैसे आप नीचे लाते जाएंगे कम होता जाएगा और पिक्चर और फाइन होती जा रही है। अब आपको जितना डॉट चाहिए प्रिंट करने के लिए, जिस पे आप कंफर्टेबल हैं, उतना डॉट इसको कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही मैं इसको 10 करता हूँ, आप पिक्चर में देखिए पिक्चर कितनी डल हो गई है, मोटे डॉट हो गए हैं इसमें, डल नहीं हुई है, डॉट मोटा हो गया है। और जैसे ही आप इसको नीचे कर देंगे ये देखिए इसके डॉट पतले होते जा रहे हैं। अब जहाँ पे भी आपको ठीक लगे रिजल्ट इसका, वहाँ पे ओके कर लीजिए। मैं इसको 3 पे रख देता हूँ। अब देखिए 3 पे ये रिजल्ट आ गया, इसको आप ओके कर दीजिए। अब आप इसी तरह से इस पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए और सेम बिट मैप पे जाएंगे, कलर ट्रांसफॉर्म हाफ टोन, सेम सेटिंग के ऊपर, यहाँ भी हमने 3 पर ही रखा हुआ है, सेम सेटिंग में इसको भी हाफ टोन में कन्वर्ट कर लीजिए। 3 मैक्सिमम डॉट जो है वो 3 होगा हमारा, इसको आप ओके कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब ये दोनों पिक्चर हमारी हाफ टोन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब आप इन दोनों पिक्चर को एक दूसरे के ऊपर इम्पोज सुपर इम्पोज कर दीजिए। सुपर इम्पोज करने के लिए क्या, इन दोनों को सेलेक्ट करिए, एक बारी सी कर दीजिए सेंट्रल लाइन और एक बारी हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरह से आप देखेंगे ये पिक्चर बन के आपके सामने आ चुकी है, ये देखिए। अब देखिए दोस्तों, अब इसका रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है। ये जो प्रिंट आप जब इसको अपने कॉरोगेटेड बॉक्स पे करेंगे, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब आपके सामने है, आप ये देखिए, और ये जो पहले वाली ब्लैक पिक्चर थी जो हमारी 4 कलर से शिफ्ट हुई थी, ये मैं आपके सामने रखता हूँ, ये देखिए इसका रिजल्ट देखिए आप। अब इन दोनों को आप कंपैरिजन करिए, ये देखिए ये हमारा हाफ टोन है जो हमने मजेंटा और ब्लैक से मिलके बनाया, और ये हमारा फाइन टोन है जो कि 4 कलर से हमने ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया। दोस्तों इसकी जॉब जब आप स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे तो उसका रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर फाइन डॉट है, और इसकी जब आप जॉब प्रिंट करेंगे इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, क्योंकि इसके डॉट मोटे हैं। और अगर आपको इसके डॉट पतले या मोटे करने हैं तो जैसे मैंने आपको तरीका बताया है उस तरीके से आप इसके डॉट को मोटा और पतला कर सकते हैं। तो आप इसको क्लोजअप देखिए, इस पर आपको डॉट नजर आएंगे, ये देखिए ये देखिए ये डॉट नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो डॉट अभी हमने कन्वर्ट करे हैं ये वो वाले डॉट्स। तो इस तरह से दोस्तों आप स्क्रीन की जॉब के लिए हाफ टोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें एक दो कुछ स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा दोस्तों, जो हमारे नॉर्मल होते हैं कि जो हम लाइन वर्क पे हमें स्क्रीन पे प्रिंट करना होता, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस पर आप इसका बटन निकालेंगे प्रिंटर से, उसको स्क्रीन पे सीधा फिल्म उठा के आप प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सॉलिड कलर है, आप देखेंगे सॉलिड है सारा। लेकिन जहाँ पर हमारी स्क्रीन आ जाती है ऐसे, जहाँ पर ये डॉट्स होते हैं, तो डॉट्स को आप डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते हैं, वो अगर आप उसका पॉजिटिव भी बनवाएंगे तो भी फाइन डॉट की वजह से उसका प्रिंट ठीक नहीं आएगा, आपको उसको हाफ टोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आप अपनी जो स्क्रीन की जॉब है उसको हाफ टोन में कन्वर्ट करके प्रिंट कर सकते। अब दोस्तों इसके बाद जो मेरा एक वीडियो है वो मैं 4 कलर में भी बताऊंगा कि 4 कलर में ये डॉट्स कैसे एंगल होते हैं, डॉट्स किस तरह के होते हैं, और CMYK में किस तरह से मर्ज होकर प्रिंटिंग होती है, इन सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप 4 कलर की प्रिंटिंग में CMYK के अंदर कैसे आप उसको कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये हाफ टोन का समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन करिए, मैं आपको उसको आंसर दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, जिनको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप कोशिश करिए कि इस वीडियो के थ्रू उन सबको इस प्रिंटिंग की नॉलेज हो जाए। लेकिन मेरा मोटिव यही है कि जिनको नॉलेज नहीं है उन तक ये मैक्सिमम वीडियो पहुंचे। और दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।